हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप तीन तरह की आसान हेल्दी शुगर फ्री लड्डू की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम बनाने वाले हैं सबसे पहले पीनट एंड फ्लैक्स सीड्स लड्डू। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रोस्ट की हुई मूंगफली ले ली है, जिसकी थोड़े से ऊपर के छिलके निकाल दिए हैं, थोड़े बहुत रह भी जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाफ बोल के करीब मैंने फ्लैक्स सीड्स ली है, इसको भी मैंने स्लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से रोस्ट करके ले लिया है। एंड सेम बोल से हाफ बोल मैंने सेसमे सीड्स ली है, यानी व्हाइट वाली जो तिल होती है उसे लिया है, इसको भी मैंने रोस्ट करके ले लिया है। और इन सभी चीज़ों को मैंने एक मिक्सचर जार में डाल दिया है और अब मैं इसे ग्राइंड कर ले रही हूँ। तो इसे आप बीच में देख लीजिए और फिर से ग्राइंड कर लीजिए। एकदम बहुत ही ज़्यादा बारीक पेस्ट भी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए हमारा ये पिस के यानी पाउडर बन के बिल्कुल तैयार है। तो अब यहाँ पे एक कढ़ाई मैंने ले ली है। और अगर मैं बात करूँ गुड़ कितना लेना है, तो गुड़ सेम बोल से जिससे आपने पीनट लिया है उसी बोल से एक बोल के करीब आप गुड़ ले लीजिए। गुड़ को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है क्योंकि गुड़ जल ना जाए, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे 4 से 6 मिनट तक ऐसे पका लेना है गुड़ मेल्ट होने तक। और उसके बाद ये जो हमने इसका पाउडर बना के रखा था इसको हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को इस वक्त हमें स्लो कर देना है ताकि ये कोई भी चीज़ इसमें जले ना, और सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी रोस्टेड हैं तो हमें इसमें कुछ भी पकाना नहीं है। तो इसे मैंने एक प्लेट पे निकाल लिया था और इसे हाथों से भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसके मैं छोटे छोटे लड्डू बनाना शुरू कर दूंगी। और ये जो हमें लड्डू बनाना है ना, ये हल्के से ल्यूक वॉर्म होने चाहिए, तभी आप लड्डू बना पाएंगे अच्छे से। अगर बिल्कुल ठंडा हो गया तो लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो दोनों हाथों से इस तरीके से, या आप एक हाथ से इसको छोटे 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 या बड़े जो भी साइज़ में आप चाहें लड्डू बना के तैयार कर लीजिए। ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लड्डू बन के बिल्कुल तैयार है। तो आप चाहो इसे ऐसे ही खा सकते हो, और आप चाहो तो इसे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है, तो उसमें आप इसे इस तरीके से लगा के और रख दो, इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा एंड ये देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इन हेल्दी प्रोटीन वाले लड्डुओं को आप ज़रूर बनाइएगा। और अब जो मैं लड्डू बनाने वाली हूँ ये सिर्फ दो चीज़ों से बनेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है रोस्टेड पीनट, जिसके ऊपर का थोड़ा सा छिलका मैंने निकाल लिया है, इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में मैंने डाल दिया है और साथ में डाल दिया है हनी। अगर मैं बात करूँ तो आप 4-6 चम्मच के करीब आप इसमें हनी डाल दीजिए। और उसके बाद हम इसे पहले स्लो उस पर ग्राइंड करेंगे, देन उसके बाद हम ग्राइंडर को हायर लेवल पे करके ग्राइंड करेंगे। इसे पहले मिक्स कर देंगे एक बार चम्मच से और आप देख लीजिएगा कि ये अच्छे से ग्राइंड हुआ है या नहीं। तो ये देखिए ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, हमें इतना ही इसे ग्राइंड करना है। और उसके बाद मैं इसे एक प्लेट पे निकाल दे रही हूँ। तो ये देखिए जो मूंगफली होती है ना उसमें नेचुरली ऑयल निकलता है, जिसकी वजह से वो ईजली लड्डू बन जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको हनी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में थोड़ा थोड़ा सा लेके आप इसका लड्डू बना लीजिए। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं एंड टेस्टी के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है इन लड्डुओं में। जैसा हम सबको पता है मूँगफली में बहुत प्रोटीन होता है। और अब जो मैं लड्डू बनाने जा रही हूँ वो है मखाने के लड्डू। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है रोस्ट किए हुए मखाने, बहुत ही स्लो फ्लेम पे रोस्ट कर लिया था मखानों को। और जब मखाने ठंडे हो गए तो उनका यहाँ पे मैंने ग्राइंडर में पाउडर बना लिया है। तो ये हमारे मखाने का पाउडर बिल्कुल तैयार है। तो अब इसमें मेरे को डालना है डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट बहुत ईजली बाजार में मिल जाता है। और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है खजूर। खजूर कि बीजों को आप निकाल लीजिए या जो बिना बीज वाले खजूर आते हैं उनका यूज़ कर लीजिए। और इसको भी डाल के अच्छे से हम इसे ग्राइंड कर देंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुकी हैं और इसे मैं एक बोल में निकाल ले रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा सा लेके इसके भी छोटे बड़े जैसे आप चाहो इसके लड्डू बना लो। बिलीव मी ये लड्डू बहुत ही टेस्टी लगते हैं। टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत ही हेल्दी हैं। और मेन चीज़ क्या है कि हमने इसमें व्हाइट शुगर का यूज़ नहीं किया है, हमने इसमें डेट्स का यूज़ किया है। तो ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं एंड इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, बिकॉज मखाने में भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। तो इसी तरीके से हम अपने सारे लड्डुओं को बना के तैयार कर लेंगे। तो
आज मैंने आपको तीन तरह के लड्डू की रेसिपी दिखाई, तो आई होप आज की रेसिपी भी आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कुक विद शिल्पी, कीप वॉचिंग।